स्वागत है आपका। हम थोड़ा सा अलग रोल करने वाले हैं। आज हम कर रहे हैं कास्टिंग। तो कास्टिंग में यहाँ पे स्कल स्मैशर वर्सेस टाइटन एक्स रॉक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोनों को देखते हैं। ये यहाँ पे अपना अलग ही स्टाइल में टीपीपी लेते हुए यूजी के साथ पता नहीं क्या ही कर रहे है। और यहाँ पे मूव करते करते स्कल स्मैशर को यहाँ पे धूल चटा दी है। देखते हैं क्या करेंगे। चलिए स्कल स्मैशर को स्पेक्टेट करते हैं उस साइड, दूसरे साइड से आते हुए, और एक दूसरे को वो लोग स्पॉट भी नहीं किया। वाह, यहाँ पे अलग अपना ही टीपीपी लेते हुए और टाइटन एक्स रॉक अलग ही अपना रश गेम प्ले दिखाते हुए पीछे से आके बूम बाम कर दिए है। वो पूरा डोमिनेशन अपना दिखाते हुए टाइटन एक्स रॉक, और ये क्या देख, उनके बेस के सामने उन्हीं के सामने जाके खड़े हो गए। और यहाँ पे इंस्टेंट गन चेंज कर भाई क्या ही मारा है, मतलब मजा ही आ गया। रिलोड करते हुए देखते हैं क्या होता है। स्कल स्मैशर के इनके जस्ट नीचे है। स्कल स्मैशर क्या कर रहे हैं, खड़े होके मार रहे हैं। और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक अपना दे जिगल कर करके मार रहे हैं। और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक अपना पूरा और 5 का कंटिन्यूस स्ट्रीक आ गया है इनका। देखते हैं क्या स्कोर होगा इस मैच का। और यहाँ पे स्कल स्मैशर क्या ही हाग रहे हैं। देखते हैं क्या ही करेंगे अभी इस मैच में। पूरा मतलब अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे हैं एनिमी को बिना फुटस्टेप्स दिए यहाँ पे। और भाई टाइटन एक्स रॉक अपने कैंपिंग में आते हुए पूरा कैंप करते हुए, इधर ये कैंप कर रहे हो, उधर स्कल स्मैशर कैंप कर रहे हैं। और शायद स्कल स्मैशर को दिख गए हैं वो, टाइटन को अभी तक नहीं दिखे वो। और यहाँ पे उन्होंने लेटा दिया है टाइटन एक्स रॉक को। दोनों ही अपना टीपीपी गेम प्ले करते हुए अब यहाँ पर टाइटन एक्स रॉक अपना फिर से रूप में आते हुए फिर से रश गेम प्ले। तो ये क्या अपने ही बेस में जाकर पूरा घूम रहे हैं अपने उजी वर्सेस कारल, ये कौन जीतेगा। और यहाँ पे स्कल स्मैशर अपना कैंपिंग स्किल दिखाते हुए यहाँ पे इन्होंने M249 उठा ली है। देखते हैं M249 में हॉलो लगा के चलाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। और स्कल स्मैशर इधर से निकल लिए है उनके पीछे पीछे इनको फॉलो करते हुए। स्कल स्मैशर पता नहीं कहाँ देख रहे हैं और फुटस्टेप तो आ गए, लेकिन ओ भाई स्कल स्मैशर एक ही जगह खड़े होकर के इधर उधर मार रहे हैं। लग रहा है आसमान छेद देंगे, लेकिन टाइटन एक्स रॉक अपना पूरा दे जिगल कर रहे हैं इधर। और 4 मिनट में इन्होंने यहाँ पे पता नहीं क्या ही जमीन छेद रहे थे ये। और इनके जस्ट सामने आ गए और फिनिश टाइटन एक्स रॉक को। लेकिन टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे अपना अलग ही डोमिनेशन दिखाते हुए, और ये क्या देख रहा हूँ, गेम छोड़ के नाच रहे हैं। और अपना कार 98 उन्होंने उठा लिया है, पिस्टल हाथ में है इनके, पिस्टल हाथ में लेके ऊपर चढ़ के फिर से कैंप करते हुए उनको शायद दिख गए हैं। और हाँ दिख गए हैं। अब देखते हैं आप स्कल स्मैशर क्या करेंगे, उनको भी दिख गए हैं। ये अपना स्कारल रिलोड कर रहे हैं और उनके पास एक ईजी अपॉर्चुनिटी था मारने का, लेकिन उन्होंने मिस किया। अब क्या वो उसका भुगतान करेंगे। टाइटन एक्स रॉक यहाँ पे पूरा रश गेम प्ले दिखाते हुए और आके पिस्टल से मार दिया है, पिस्टल से आके स्कारल वाले को उड़ा गए। मतलब मारना पड़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल। और यहाँ पे अपना Level 3 का टोपा उठाते हुए स्कल स्मैशर यहाँ पे अपना अलग ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, पता नहीं ये खड़े होके क्यों मार रहे हैं। और यहाँ पर पीछे से घूम रहे हैं, इधर से टाइटन एक्स रॉक घूम रहे हैं, दोनों रिंगा रोजेस खेल रहे हैं इधर। और स्कल स्मैशर ऑम उठा के पता नहीं कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि इनको दिख गए हैं और खड़े होके वेट करें आने का। और यहाँ पे टपा टप
और यहाँ पे दोनों स्नाइपर्स पे आ गए, लेकिन स्कल स्मैशर का अगर एक भी बॉडी टच किया उन्होंने टाइटन का तो लेट जाएंगे। उधर स्कल स्मैशर को लेटा दिया है, फिर से उनके पास अपॉर्चुनिटी है मारने का, लेकिन उनके जस्ट सामने है, थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन और क्या ही शानदार कार 98 शॉट, क्या ही मारा उन्होंने। अब यहाँ पे स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उनको और डायरेक्ट उनके मुंह पे उन्होंने फ्रैग ग्रेनेड फेंका, लेकिन उन्होंने ले ले स्कल स्मैशर ने टाइटन एक्स रॉक को लेटा दिया और वहां से निकल लिए। अब यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक अपने फिर से कैंपिंग मोड, चलिए थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये अपना कैंपिंग कर रहे हैं और इधर से स्कल स्मैशर अपना कैंपिंग कर रहे हैं। स्कल स्मैश कर रहे, थोबड़ा देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड लेके किसको मार रहे हैं भाई, टाइटन एक्स रॉक। अच्छा इधर आ गए हैं, इधर अपने बेस पे आते, उनके बेस पे थोड़ा सा डोमिनेशन करते हुए, दोनों के पास कार 98 है हाथ में, और टाइटन एक्स रॉक स्कॉर्पियन निकाल के थोड़ा सा रश गेम प्ले दिखा रहे हैं। और इन्होंने एक ग्रेनेड फेंका, क्या स्टन ग्रेनेड है ग्रेनेड, और वो फ्रैग था इनके जस्ट वो दोनों आमने सामने है। और यहाँ पे स्कल स्मैशर पता नहीं कार 98 से क्या ही हवा छेद रहे हैं, और यहाँ पर टाइटन एक्स रॉक पिस्टल से मारने का, लेकिन स्कल स्मैशर ने यहाँ पे क्या किया, स्कारल लेके हाथ हाथ में स्कारल होते हुए भी इतना जो गंदा हगे है ये। और टाइटन एक्स रॉक अपना फिर से पिस्टल से रश गेम प्ले, और स्कल स्मैशर कार 98 से आधा बॉडी लोक, और स्कल स्मैशर ने मार दिया उनका पूरा, मतलब क्या ही मारा है। और यहाँ पे क्या ही मारा है उन्होंने कार 98। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टाइटन एक्स रॉक राइट से आते हुए और स्कल स्मैशर लेफ्ट से, दोनों एक दूसरे पे टीपीपी ले लेके कैंप कर रहे हैं। दोनों अपना मूव नहीं कर रहे, दोनों कार 98 यूज कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं किस, और टाइटन एक्स रॉक ने स्कल स्मैशर को कनेक्ट कर दिया है, एक शॉट में बूम बाम कर दिया उनको। यहाँ पर टाइटन एक्स रॉक मतलब ट्रिपल किल किया है उन्होंने, और क्या ही मारा, एक शॉट में खत्म। स्कल स्मैशर आए और अपने वापस कट लिए उनके, एक दूसरे को उन्होंने देखा भी नहीं, मतलब स्कल स्मैशर ने नोटिस भी नहीं किया। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, स्कल स्मैशर ने टाइटन एक्स रॉक को लेटा दिया दिया एक 1.5 मिनट बचा है मैच खत्म होने में, और उनको डबल से भी ज्यादा किल्स करने हैं स्कल स्मैशर को। देखते हैं क्या वो कर पाते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाएंगे। उधर एक फ्रैग ग्रेनेड फेंका और यहाँ पे उजी से उन्होंने लेटा दिया। लगता तो नहीं स्कल स्मैशर यहाँ पे कमबैक कर पाएंगे, लेकिन वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं बिना टॉक्सिक होने के कास्टिंग करने का। और यहाँ पे फिर से स्कल स्मैशर लेट चुके हैं, स्कल स्मैशर पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनविंसिबिलिटी मोड खत्म होने के बाद वो निकल रहे हैं, और यहाँ पे एक जगह खड़े होके मार रहे हैं, और अपना उधर टाइटन एक्स रॉक दे जिगल कर करके मार रहे हैं। फिर से उनके जस्ट बेस में घुस गए और स्कल स्मैशर को पता तक नहीं चला। और ये क्या टीम अप करने का थोड़ा सा प्रयास करते हुए, और ये क्या देख रहा हूँ, मतलब स्कल स्मैशर हारने वाले हैं तो पंच फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये हो क्या रहा है, लुका छुपी क्यों खेल रहे लोग, ये क्या देख रहा हूं मैं। ओ भाई वर्ल्ड चेस टैग चल रहा है क्या यहाँ पे, सब एक दूसरे के आजू बाजू इधर आगे पीछे सब घूम रहे हैं। टाइटन एक्स रॉक तो पूरा एक चक्कर लगा के आएंगे लगता है, और उनको क्या मिला है, उन्होंने उठा ली है यहाँ पे, क्या उठाइए भाई, M249। लेकिन अब मतलब ही क्या है, लास्ट के 4 सेकंड में लगता है कोई एक भी किल निकाल पाएगा,
और नहीं, और यहाँ पे टाइटन एक्स रॉक ने बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ा है स्कल स्मैशर को। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या स्कल स्मैशर कमबैक कर पाएंगे, तो जानने के लिए देखते रहिए 619 OP। Hang him from the yard.